अलीगढ़ बारिश की वजह से पानी पानी है, लेकिन सासनी गेट क्षेत्र में लोग पिछले 15 दिन से पीने के पानी को तरस रहे हैं। लोग परेशान, लोगों ने आज कई घंटे तक सासनी गेट चौराहा जाम रखा। तब जाकर नगर निगम के एक दो अधिकारी आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, तब जाकर जाम खुला। गोपी, क्या नाम है अपनी, गोपालपुरी बोलते हैं इसको, गोपालपुरी। यहाँ से लेके पीछे तक का सबका एक सही मामला है। क्या समस्या है? पानी नहीं आ रहा, 15 दिन हो गए। पानी आ रहा है तो आधे घंटे के लिए आता है, उसमें भी वो लीकेज है और मिट्टी और नाले का पानी मिक्स होकर आ रहा है। समझा, हम जाके थक गए, लेकिन कोई इलाज नहीं है। तो किस लिए जाम लगाया हुआ? इसलिए जाम, पानी आए पानी के लिए जाम है। वो काहे के लिए पानी जाम है? रोड को जाम किया है, आगरा रोड जाम क्या किया है, बस रोक रखा है। जामने को इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, सबको रास्ता दे रखा है भाई। इतना रोक रखा है कि कम से कम अधिकारी तो हमसे आके मिले। इन 15 दिन से संपर्क करना चाह रहे, कोई आने को तैयार नहीं है। क्या मांग है भाई साहब? पानी दे दो, और कोई मांग नहीं है। मैं पानी चाहिए रोजाना। पानी भैया हर जगह समस्या है, मिला आपको नहीं मिला? पानी का क्या समस्या भैया हर जगह? आपको भी आश्वासन मिला है नहीं मिला? हाँ, अभी तो कह तो रहे हैं साहब कि हाँ आज हो जाएगा आपका काम। जब तक पानी नहीं आएगा, पानी की समस्या है। पिछले 10-12 दिनों से पानी बिल्कुल, यहाँ सासनी के इलाके में पानी नहीं है। एई से कह दो, एसडीओ से कह दो, जेई से कह दो, समो से कह दो, कोई सुनवाई नहीं है कि हम करा रहे हैं, करा रहे हैं, करा रहे हैं, कोई पानी नहीं है यहाँ पर। आपके क्षेत्र के जो पार्षद हैं झूठ बोल रहे हैं? कौन पार्षद? तो बेचारे उनके साथ बोलेंगे बोलेंगे भाई, उनको भी, उनको तो दोनों को साधना है इस समय। पानी के लेकर जाम लगाया, लोगों को पानी नहीं मिल पाया आज सुबह। कितने देर? कल तो पानी मिला था इन सब पब्लिक को, रात में एक ट्यूबवेल पे टूफेस लाइट होने के कारण ये दिक्कत आई है। यहाँ के लोगों कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए पानी की समस्या। मेरे ये मेरी संज्ञान में नहीं है। खैर 15 दिन बताए? नहीं नहीं, ये संज्ञान में नहीं। मेरे क्षेत्र का मामला है जी। किस क्षेत्र? ये स्काई टावर वाली टंकी का मामला है। क्या आपने आश्वासन दिया है? हमने अब आश्वासन दिया, उसको जो टूफेस लाइट हुई है उसको तत्काल एसडीओ साहब से बात हुई है, उसको तत्काल ठीक करा के पानी सुचारू करा देंगे। ठीक है, ये क्षेत्र मेरे वार्ड 43 के अंतर्गत आता है। 9 ट्यूबवेल हैं, 9 ट्यूबवेल में 4 ट्यूबवेल खराब हैं, जिसमें से 1 ट्यूबवेल रात को 11 बजे चालू हो गया। एक बार मेरे कार्यकाल में मैंने 2017 में CWR यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक के प्रस्ताव रखा, जिस पर 3 महीने से काम चल रहा है और वो 1 महीने में शॉर्ट आउट हो जाएगा आगे आने वाली गर्मी को देखते हुए। टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इनको पानी नहीं मिल पाया, इसलिए परेशान है। 6-7 दिन हुए हैं। क्या जाम लगाया हुआ है? अब इनके अनुसार तो ये जाम लगा हुआ है, लेकिन मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जो काम परेशानी है आपकी, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे खोल दो, जो आवागमन चालू रहे। अधिकारियों को क्या आश्वासन? अधिकारियों को आश्वासन है कि ये अभी काम कर रहे हैं पटल पे, जमीन पर काम करेंगे और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने कर रखी है, लेकिन क्या है कि जनता, जनसमूह जहाँ उड़ जाए वहाँ उड़ जाए। 15 दिन बताए जा रहे हैं? 15 दिन नहीं है, 7-8 दिन से खराब है। 7-8 दिन? हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो 2 घंटे पानी ना आकर के घंटे भर आ रहा है, आधा घंटे आ रहा है, पानी आ रहा है। कल भी पानी मिला है इन लोगों को, लेकिन वो उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। भैया भैया 1 मिनट नहीं मिला पानी, मिला 15 मिनट।